हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साकर टेक्निक क्लासेस। आज मैं आप लोगों को थ्योरी थ्योरम का नेक्स्ट क्लास करने जा रहा हूं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपको डिस्कस करूंगा, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन के लिए। आप ये जानते हैं कि ये जो टॉपिक होता है वो बीटेक में फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में जो होता है वो पूरा पढ़ना रहता है। सेकेंड थिंग, ये जो है वो गेट की एग्जामिनेशन के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। डिप्लोमा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर भी आपका रेलवे में, जैसे हम रेलवे का एग्जाम दिए थे तो वहां पे एक दो क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन, ठीक है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, इसके बेसिक कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हर जगह एप्लीकेबल होता है। जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो है प्राप्त हो। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्वेश्चन। प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों को बताया था, नीचे लिखे ये प्लस है माइनस है, यहाँ आपका क्या हो गया 3i, ये आपका है 6 ओम, यहां से ये जो देख रहे हैं ना, ये आपका क्या हो गया आपका 4 ओम। तो बेसिकली इस सर्किट में आपको क्या करने हैं, यहां से आपका करंट दिया हुआ i, ठीक है। इसमें प्रीवियस डे में आपको बताया था कि ये जो देख रहे हैं ये a है, a क्या है, b है। तो ab के बीच में क्या करना है कि आर ए बी फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आर ए बी कैसे फाइंड करेंगे, तो प्रीवियस डे में बताया था कि यहाँ दो चीजें होगी, क्योंकि ये कैसा सोर्स है, तो ये डिपेंडेंट सोर्स है। तो आप जानते हैं कि किसी भी नेटवर्क में जब इंडिपेंडेंट सोर्स रहेगा तो उसके कारण क्या होगा, वीटीएच का वैल्यू आएगा। इसमें तो वीटीएच का वैल्यू क्या होगा, प्रीवियस डे में बताया था ना, वीटीएच का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ए और बी के बीच में जो आप देख रहे हो ना, वी ओपन या इसी को ओपन सर्किट वोल्टेज जो है ए बी के बीच में, या वी ए बी जो है, इसका वैल्यू क्या होगा, 0। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो एनी इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट इन द नेटवर्क। कहता है नो इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट इन द नेटवर्क। इसमें क्या है आपका, ये नेटवर्क में नहीं है। अब यहां से देखिए, इसमें हम क्या, मेरा क्या काम करना है कि जब आपको डिपेंडेंट के कारण निकालना रहेगा तो ऐसे सिचुएशंस में वीटीएच निकालने के लिए बड़ा आसान तरीका है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर एक ले लेते हैं करंट सोर्स ले लेंगे 1 वोल्ट का, 1 एम्पीयर का, ठीक है। इसके वैल्यू को जो हम लोग मान लेंगे, दिस इज योर आई एस। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्ट करेंगे, देखिए ये जो वोल्टेज होगा वही ना इसकी वोल्टेज होगी, अर्थात हमको ये 1 लेने से फायदा क्या होता है, आखिर क्यों ऐसा लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा टारगेट है एबी के बीच में वोल्टेज फाइंड करना। तो सबसे पहले हम लोग आर एबी निकालना है, यही तो आपका आर ओसी होगा। तो यहां पर ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि इसका वैल्यू आर इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन क्या होगा, आई। और सपोज यहाँ आई एस का वैल्यू हम लोग एक्स ले लेते हैं, अभी सोर्स, दिस इज योर सोर्स वोल्टेज। तो सोर्स वोल्टेज पता चलेगा, आई भी हमको पता है, तो हम क्या करेंगे, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर सिंपलिसिटी के लिए क्या होगा कि यहां से आर ए बी का वैल्यू जो होगा, इसमें विंडो बंद कर दो, यहां से क्या होगा कि आर ए बी बराबर क्या होगा, वी एस बाई आई एस, और वी एस बाई क्या होगा, 1, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग क्या करेंगे, इसका इजी कैलकुलेशन के लिए 1 मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमको जैसे ही वीएस पता चलेगा, हम लोग डिवाइड कर देंगे, आर एबी निकल जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इस जगह पर, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये वीएस हो जाएगा, ठीक है। तो भाई नोडल एनालिसिस, देखिए इसमें नोडल एनालिसिस में हम लोग क्या करते थे कि दो डायर, एक ये आपका नोड ये हो गया, एक ये नोड हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रिंसिपल नोड। ये भी क्या हो गया, प्रिंसिपल नोड। प्रिंसिपल नोड का मतलब मोर देन 2 एलिमेंट्स जो होगा एक साथ कनेक्ट होगा। अब यहां से हम लोग लगाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट वी एस माइनस क्या हो गया 3i, और बाय क्या हो गया 6, प्लस यहां से क्या होगा, तो वी एस माइनस 0, देखिए 0 वोल्टेज है, डिवाइडेड बाय क्या हो गया 4,
इज इक्वल टू कितना करंट जा रहा है, जितना करंट गया वो पारने वाले बराबर हो गया, तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे वन। यहां से देखिए इस जगह पर आप देख रहे हैं ना, तो यहां पर क्या होगा, इस जगह पर दो करंट है, एक आई है एक वन है, तो दोनों का सम क्या होगा, तो आई प्लस वन बराबर क्या होगा जीरो, तो आई प्लस टू क्या हो गया माइनस वन। तो यहां से लोग आई की जगह वहां पर माइनस वन देंगे तो क्या होगा वी एस माइनस माइनस क्या होगा प्लस थ्री होगा ना यहाँ पर, और डिवाइड में क्या होगा सिक्स, और प्लस क्या हो गया वी एस बाई फोर इक्वल टू वन। यहां से हम जब एलसीएम लेंगे तो बिल कितना आ जाएगा ट्वेल्व ना, यहाँ कितना हो गया आपका टू वी एस सिक्स हो गया ट्वेल्व, तो यहाँ पर कितना होगा सिक्स और प्लस फोर टू या थ्री मतलब थ्री वी एस इक्वल टू वन। अब हम लोग क्या करेंगे दोनों को एड कर देंगे तो क्या होगा फाइव वी एस प्लस सिक्स इक्वल टू ट्वेल्व, तो यहां से फाइव वी एस इक्वल टू क्या होगा सिक्स, तो वी एस इक्वल टू क्या हो गया सिक्स बाई फाइव, यहां पर क्या हो गया वोल्ट। अब जैसे ही हमको देखिए इसके बीच का फाइंड करना है, मतलब हमको क्या करना है आर टी एच फाइंड करना है, तो आर टी एच बराबर क्या होगा वी एस बाई आई एस, वी एस की जगह पर कितनी है सिक्स बाई फाइव, तो यहां हम लोग लिख देंगे सिक्स बाई फाइव और इक्वल डिवाइड बाई वन, अर्थात कितना होगा वन पॉइंट टू या फिर क्या होगा ओम। तो कितना आसान है देख रहे हैं ना, तो ऐसे जो सोर्स होता है इससे हम लोग क्या करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलता हूँ, मैं आज डिस्कस करूंगा डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं गेट एग्जामिनेशन में। मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ जो कि बहुत ही अच्छा और इजी है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग गेट 2012 की बात कर रहा हूं। यहां से देखिए यहां ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपके क्वेश्चन है। ठीक है, यहां से आप देखिए क्वेश्चन में आपको क्या लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है 100 ओम, ये लिखा हुआ है 1 किलो ओम, यहां पर एक और रेजिस्टर लगा हुआ है इसका वैल्यू दिया हुआ है 9 kV 9 kΩ, यहां पर क्या होगा किलो ओम, और यहां पर क्या होगा दिस इज योर आई वी, और इसमें जो देख रहे हैं ये आपका करेंट सोर्स है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 99 IV, तो इसके बीच में एक टर्मिनल ले लिया दिस इज योर वन और दिस इज योर वन टू, तो इसको वन मान लो इसको टू मान लो, इसी के बीच में क्या करने हैं क्वेश्चन पूछा है कि आरटीएच का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए आप इस क्वेश्चन को देख करके आप क्लियर हुआ होगा कि इसमें क्या है, देखिए इंडिपेंडेंट सोर्स है नहीं है, तो इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो इसमें कौन सा सोर्स है डिपेंडेंट सोर्स है। तो जब किसी भी नेटवर्क में डिपेंडेंट सोर्स रहे और आपको आर टी एच का वैल्यू फाइंड करना हो तो ऐसे सिचुएशंस में इजी कैलकुलेशंस के लिए क्या करते हैं आप लोग फर्स्ट गौर कीजिए। हाँ, यहां पर हम लोग क्या करते हैं तो सबसे पहले इसके बीच में एक जोड़ देते हैं, क्या जोड़ेंगे तो देखिए यहां से हम ला करके जोड़ दिए ऐसे, ये क्या किया है एज ए करेंट सोर्स जोड़ दीजिए, इसका वैल्यू कितना है 1 एम्पियर, इसी को हम लोग 1 IS कहेंगे, और इसके बीच का जो वोल्टेज होगा यहां से यहां तक जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा आपका VS होगा ना। तो मेरा टारगेट क्या है कि RTH फाइंड करना, तो RTH में हम लोग यदि VS निकाल दें और IS निकाल देंगे तो R इक्विवेलेंट नहीं कर जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे तो यहां पर हम देखिए इसको हम लोग सर्किट को नोडल बना लेते हैं, एक अर्थिंग कर दिए जिसको रेफरेंस नोड या डेटम नोड बोलते हैं, ये आपका हो गया डेटम नोड, इसको रेफरेंस बना दिए, यहां का जो वोल्टेज है और इसका वोल्टेज क्या होगा VS, हमारा टारगेट क्या है कि किसी तरह से VS पता चल जाएगा तो काम बन जाए, तो VS का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे इस पर नोडल एनालिसिस लगाएंगे, तो लिखेंगे बाय नोडल एनालिसिस, जैसे ही एट क्या हो गया एट नोड कहिए इसको वन मान लीजिए वन, क्या होगा देखिए इसमें हम लोग कहा देख रहा है देखिए इधर से क्या करंट आ रहा है आईवी, तो यह हो गया आपका आईवी, इधर से देखिए इस सर्किट से देख रहे हैं तो ऊपर से नीचे आ रहा है कितना है 99 IV प्लस, देखिए इधर से भी आया इधर से भी आया, एक चीज और ध्यान देखिए ये ऊपर जा रहा है तो इसका वैल्यू कितना होगा वन, यहां से देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है ये भी ऊपर से नीचे ये भी जा रहा है इधर जा रहा है मतलब तीनों मिल रहा है तो इसका वैल्यू कितना होगा वन। ठीक है, ठीक है ना, अब यहां से बराबर क्या होगा तो ये टोटल आने वाला करेंट था
तो आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ टोटल इनकमिंग करंट एट ए नोड मस्ट बी इक्वल टू द टोटल आउटगोइंग करंट। तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग क्या लिखेंगे, अब यहां देखिए इसमें करंट जा रहा है इस टर्मिनल में, तो कह सकते हैं क्या होगा Vs डिवाइडेड बाय क्या होगा 100। अब देखिए इस दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना होगा, इस दोनों को ऐड करेंगे तो होगा 100 IB प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा Vs बाय 100। ठीक है, अब यहां इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अरे इसमें वेरिएबल कितने हैं, एक IB है और दूसरा क्या हो गया Vs। तो जब दो वेरिएबल है तो उसके दो इक्वेशन होनी चाहिए, तो इसको हम लोग कैसे इक्वेशन लाएंगे तो फर्स्ट दिमाग लगाना होगा। देखिए इस करंट, इसमें करंट का वैल्यू दिया हुआ है आई बी, यहाँ तो वोल्टेज कितनी है 0, तो यहाँ से निकाल सकते हैं आई बी इक्वल्स टू, क्या हो रहा है तुम्हारा कट कर रहे हो, यहां से क्या होगा 0, यहाँ 0 है और यहाँ 0 से इसका वोल्टेज क्या है वी एस, 0 माइनस वी एस डिवाइडेड बाई कितना टोटल रेसिस्टेंस। इस टर्मिनल में ऐसे जाएंगे ना, हम ऐसे जाएंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा 0 माइनस वी एस डिवाइड बाय दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 9 प्लस 1, अर्थात क्या हो गया माइनस वी एस बाय क्या हो गया 10। इसको हम लोग और आई बी बराबर लिख सकते हैं माइनस वी एस डिवाइड बाय दोनों को ऐड कर दिए तो ये आपका इतना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये आपका क्या दिया हुआ है किलो में, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 से जैसे ही हम लोग चलेंगे तो यहां से वैल्यू कितनी होगी 100 इंटू माइनस वी एस डिवाइडेड बाई क्या होगा 10,000। यहां पर क्या हो गया 1 इक्वल्स टू क्या हो गया वी एस बाई 100, जिससे इसको हम लोग काट देंगे, इसको दाएं तरफ भेजिएगा तो वैल्यू कितना होगा 1 इक्वल्स टू ट्वाइस वी एस डिवाइडेड बाई क्या होगा 100, इसको 50 बार में काट देंगे तो वी एस इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 50 वोल्ट। अब देखिए जब इसको वी एस पता चल चुका है, ठीक है ना, जिसको वी एस पता चल चुका है तो हमको क्या करना है आर टी एफ निकालना है, तो आर टी एफ बराबर क्या होता है वी एस बाई आई एस, वी एस की जगह पर 50 है इसके जगह पर 1 है, इतना ओम हो गया आपका, तो कितना सिंपल है, ठीक है ना। इसको हम लोग इजी क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ये आपका था गेट 2012 का क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये काफी इजी है, ये आपको अदर जब पीएसएस में बैठते हैं तो पीएसएस में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, यहां देखिए ये आपका है 2 ओम, ये आपका 2 ओम, यहां किलो ओम, यहां से देख रहे हैं ना ये आपका क्या है 5 वोल्ट, ये प्लस है यहां पर माइनस है, ठीक है। यहां से आप कर लो, ये देख रहे हैं ना ऐसा फिगर बना हुआ, इसका मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये कैसा सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स है। अब देखिए इसको आप मान लो कि 1 किलो ओम है, यहां से देखिए ये क्या हो गया ये ए और ये क्या हो गया बी, तो दोनों के बीच का जो आप मान लो कि ए बी है तो इसमें दिया हुआ है 3 ab, ये आपका प्लस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है माइनस। तो कहता है कि इस ए बी टर्मिनल के बीच में ये जो टर्मिनल देख रहे हैं ना इसमें कहता है कि आरटीएच का वैल्यू क्या होगा, वीटीएच का वैल्यू क्या होगा, इसको पता लगाना है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए सर्किट को देखने के बाद आप ये देख रहे हैं कि इसमें इंडिपेंडेंट सोर्स है कि इंडिपेंडेंट सोर्स है तो डेफिनेटली वीटीएच का भी वैल्यू कुछ होगा, ठीक है। सपोज ये नहीं होता तो ऐसे सिचुएशंस में केवल आरटीएच होता, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका कैलकुलेशन जब करने जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट थोड़ा सा हमें ये गौर करने वाली बात होगी कि हमारा फर्स्ट वैल्यू क्या है, हो गया वीटीएच निकालना, अर्थात इसके बीच का जो वोल्टेज होगा वही तो यहाँ वोल्टेज होगा, अर्थात यहां से इसका वोल्टेज क्या हो गया कि ये आपका वी होगा। अब यहां से इसको सपोज हम अर्थिंग कर दें तो ये आपका क्या किस पर आ जाएगा, जब हम ये वोल्टेज सोर्स को दो टर्मिनल्स के बीच में लगाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग सुपर नोड। जब नोड के बीच में जब कोई वोल्टेज सोर्स लगाते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग सुपर नोड, ठीक है ना। तो सुपर नोड का कंसेप्ट जब लगाएंगे तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा, यहां का वोल्टेज सपोज मान लेते हैं वी, इसका वैल्यू कितना है वी ए, तो यहां से हम लोग लगा सकते हैं क्या फर्स्ट बाय नोडल
एनालिसिस। नोडल एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जब नोडल एनालिसिस लगाएंगे तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा कि इसमें, लेकिन नोडल एनालिसिस हमें लगाना है तो हम नोडल एनालिसिस लगा करके हमारा टारगेट क्या है, तो फर्स्ट केस में स्टेप फर्स्ट में हमारा क्या है कि VTH का वैल्यू फाइंड करना। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, नोडल एनालिसिस लगा रहे हैं, ठीक है। यहां लगाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट होगा V2 माइनस, देखिए यहां पर कितना दिया हुआ है 5 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2। इसी तरह से क्या होगा V2 और माइनस 0, तो V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस, देखिए ये आपका इस नोड पर लगा दिए हम क्योंकि सुपर नोड है, और यहां पर क्या करेंगे इस जगह पर हम लगाएंगे तो क्या होगा VA डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं क्या होगा, तो V2 प्लस 2 VA इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहां देखिए ट्वाइस V2, ठीक है ना, और यहां पर माइनस जो 5 था वो दाएं तरफ जाएगा तो क्या होगा प्लस 5। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया फर्स्ट। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से इसको डिफरेंस करेंगे। नाउ यहां पर क्या होगा V2 माइनस VA, और इस दोनों का डिफरेंस कितने के बराबर है तो 3 VAB के। थोड़ा सा गौर कीजिए कि VAB का मतलब क्या हो गया, VAB का मतलब हो गया VA माइनस VB। VA आप देखिए VB की जगह पर दिख रहा है ना, इसका अर्थिंग किया हुआ अर्थात क्या हो गया 0, तो इसका वैल्यू क्या होगा 0। तो यहां से हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा V2 माइनस VA बराबर 3 VA, तो V2 इक्वल टू क्या हो गया 4 VA, इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। अब इस 2 को हम लोग फर्स्ट में रखेंगे और दोनों को सोल्व करेंगे तो वैल्यू निकल जाएगा ना, तो लिखेंगे ऑन सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब दोनों को हम लोग सोल्व जैसे ही करेंगे तो आपका यहां से क्या हो गया VA का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है ना। कैसे पता चलेगा, इसमें पुट कीजिएगा तो क्या होगा, इसको पुट करेंगे तो क्या होगा 8 VA प्लस 2 VA इक्वल टू क्या हो गया 5, तो VA इक्वल टू क्या होगा 5/10। यहां से 5/10 अर्थात क्या हो गया 0.5, VA का वैल्यू आपका आ गया इतना वोल्ट। जब VA निकल चुका है तो यही तो आपका क्या है VTH होगा, तो यहां से क्या होगा VTH इक्वल टू क्या हो गया आपका 0.5 वोल्ट, ठीक है। VTH का वैल्यू क्या हो गया आपका 0.5 वोल्ट। तो इससे हम लोग देख रहे हैं ना कि जब हम लोग डिपेंडेंट सोर्स देख रहे हैं तो इसका कैलकुलेशन किस वे से कर रहे हैं, इसी में स्टेप 2 होगा। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे कि अब हमारा टारगेट क्या रहा कि किसी तरह से नहीं, हमें क्या VTH जब पता चल गया है तो RTH का वैल्यू सिंपल वे से निकालेंगे। तो कैसे सिंपल वे से निकालिएगा, देखिए आप ये जानते हैं कि जब RTH का वैल्यू निकालते हैं तो मैं बताया था कि व्हेन एनी नेटवर्क हैव कंसिस्ट डिपेंडेंट सोर्स देन डिपेंडेंट सोर्स नेवर बी रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट एज वेल एज क्या हो गया शॉर्ट सर्किट। ना हम लोग ओपन सर्किट का मतलब पता है कि नाइदर यू कैन रिप्लेस ओपन सर्किट और नॉन रिप्लेस बाय क्या हो गया शॉर्ट सर्किट, किसको डिपेंडेंट सोर्स को। लेकिन जब हमको RTH निकालना है, क्या निकालना है RTH बराबर वाट, तो ये जो वोल्टेज सोर्स है 5V है, मतलब यहां पर क्या हो गया, यहां पर वोल्टेज सोर्स इसको हम लोग क्या कर देंगे शॉर्ट सर्किट कर देंगे। जितना भी ये वोल्टेज सोर्स है ना इंडिपेंडेंट सोर्स, ये इसको हम लोग क्या करेंगे शॉर्ट कर देंगे, तो शॉर्ट कर देंगे तो लाइक ऐसा सर्किट बन गया। अब यहां पर क्या लिखा जाएगा SC, ठीक है। अब हम लोगों का टारगेट क्या रहा, जब ये शॉर्ट हो गया था, देखिए दोनों किस में है, सीरीज में कि पैरेलल में है, पैरेलल में है, इसका एक नया सर्किट बन करके आएगा लाइक दिस। यहां से आपका ऐसा बन के आएगा 1 किलो ओम, और यहां पर क्या हो गया आपका 1 किलो ओम। कैसे, क्योंकि 2-2 पैरेलल है तो दोनों की चार्ज डिवाइड बाय 2+2 होगा, तो यहां पर ये आपका वैल्यू आ गया ऐसे। यहां से हम लोग ऐसे कर लिख सकते हैं, यहां से वैल्यू कितनी थी तो 3 VAB, ये आपका प्लस है माइनस है। यहां से आप क्या कर लो कि इसके बीच में तो हमें जब निकालना रहता है तो क्या ध्यान दीजिए क्या करना है हमको, RTH निकालना है। तो RTH निकालते समय आप लोग को जानते ही हो कि इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, चुपचाप 1 एम्पियर का करंट फ्लो करा देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे IS। अब इसके बीच का जो
क्या होगा, वोल्टेज होगा, दैट इज कॉल्ड क्या होगा, वीएस होगा, वीएस। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये वीएस है तो ये भी वीएस होगा, ठीक है ना। या इस फोटो इस फिगर के अनुसार यदि करते हैं तो इसमें क्या होगा कि दोनों के बीच का क्या होगा, ये आपका वीए होगा। अब यहां से हमारा टारगेट क्या है कि हम लोग इस जगह पर नोडल एनालिसिस लगा सकते हैं, तो बाय नोडल एनालिसिस क्या लगा देंगे, तो वी ए माइनस, देखिए यहां पर क्या होगा, वी ए माइनस क्या होगा प्लस, तो वी ए और प्लस क्या होगा, थ्री वी ए वी डिवाइडेड बाय वन प्लस, इसमें से क्या होगा वी ए डिवाइडेड बाय वन और बराबर कितना होगा वन। अब देखिए इस क्वेश्चन से यहां पर क्या है कि वी ए बी कैसे निकलेगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, वी ए के जगह पर छोड़ दीजिए, वी बी के जगह पर क्या है जी, यहां देखिए ये अर्थिंग है तो जीरो होगा, अर्थात क्या हो गया वी ए। तो जहां जहां आपका वी ए बी है उसके जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो यहां हो जाएगा वी ए प्लस यहां पर थ्री वी ए प्लस क्या हो गया वी ए बराबर वन, तो यहां से फाइव वी ए बराबर क्या होगा वन, तो वी ए बराबर कितना हो गया वन बाय फाइव। अब देखिए यहां जो नीचे देख रहे हैं ना, यहां पर क्या है किलो में है, तो किलो को हम लोग कन्वर्ट करेंगे कितने, इतना आपका किलो आया, इतना किलो वोल्ट, तो यहां से हम लोग वी ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वन बाय फाइव इंटू वन थाउजेंड काट देंगे तो क्या होगा 200, तो वी ए इक्वल क्या हो गया 200, ये आपका क्या होगा 200 वोल्ट। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, आरटीएच फाइंड करना, तो आरटीएच निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आरटीएच बराबर आप लोग जानते हो क्या, आरटीएच बराबर क्या होगा वी सोर्स डिवाइडेड बाय आई सोर्स, वी सोर्स के जगह पर कितना वैल्यू आया है 200, इसके जगह पर कितना है 1 बराबर कितना होगा 200 ओम, ठीक है ना। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सा क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन मैं बताता हूं जो कि प्रीवियस सेशन में देख रहा हूं ना कि स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में आपका बीटेक में आया था ये क्वेश्चन में, और एक क्वेश्चन जो हम लोगों का था उसमें नॉर्टन थ्योरम पर 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन से एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए है कि ये आपका ब्रिज है लाइक दिस, ऐसे ये आपका क्या हो गया ब्रिज है, इस ब्रिज में क्या करना है ना, इसके बीच में ये आपका वोल्टेज अप्लाई कर रहा है, मान लेते हैं कि आपका 2 वोल्ट ये है, ठीक है, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 2, इसका दिया हुआ है 3, इसको दिया हुआ है 5, इसको दिया हुआ है 7, ठीक है। हमें करने क्या है, तो इसके बीच में दिख रहा है ये आपका ऐसे किया हुआ है, अभी ऐसे किया हुआ है, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो 1 और 2 के बीच में, ठीक है ना, 1 और 2 के बीच में, इसके बीच में क्या करना है, आरटीएच फाइंड करना है और क्या करना है, वीटीएच फाइंड करना है। दो क्वेश्चंस इसमें क्या होगा, यहां पर आपका इस दोनों टर्मिनल्स के बीच में वीटीएच और आरटीएच क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है, कैसे करेंगे, इट इज वेरी सिंपल। इसमें क्या होगा, इसको आप ओम लिख लो, ठीक है, ये आपका होगा ओम, यहां पर से क्या हो गया 2 है 3 है, यहां पर 5 और ये क्या हो गया 7। तो यहां पर क्या होगा कि ऐसे तो हम क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट टारगेट मेरा क्या है वीटीएच निकालना, तो वीटीएच कैसे निकालते हैं बताइए, वीटीएच निकालने का मतलब क्या होगा कि यहां से देखिए इस वोल्टेज को ऐसे जा रहा है, यहां से करंट क्या हो रहा है सेम जा रहा है, तो सपोज इस जगह का करंट हमें पता चल जाए, सपोज दिस इज योर 1 है, अभी क्या हो गया 2, तो 1 और 2 का पता चल जाएगा, तो इसमें हम लोग केवीएल लगा देंगे, या दूसरे वे से इसके बीच का वोल्टेज पता चल जाएगा, इसके बीच का वोल्टेज पता चल जाएगा, तो ये वोल्टेज नहीं पता चल जाएगा, वही वोल्टेज जो होगा वो क्या हो गया आपका, वही वोल्टेज क्या होगा, सब वोल्टेज होगा वीटीएच। तो हम लोग क्या करेंगे कि निकालेंगे वी वन बराबर क्या होगा, देखिए वी वन निकालना चाह रहे हैं, तो इसकी देखिए ये आपका क्या होगा, ये आपका सीरीज में है ना, तो वोल्टेज डिवाइडेड रूप से क्या होगा, वी वन बराबर होगा 2 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2+3 और इंटू क्या होगा बोलिए, वी वन है ना, ये V1 है तो 2/3 और टोटल वोल्टेज डिवाइडेड रूप में क्या कहता था 2, समझ रहे हैं ना कैसे, क्यों, क्योंकि आपने आप लोगों को बताया था कि सपोज ये R1 है, ये आपका क्या हो गया R2 है, और ऐसे कंडीशंस में हमें क्या करना है कि ये वोल्टेज को डिवाइड करना है, इसके बीच का वोल्टेज पता लगाना है, तो इसका फॉर्मूला सपोज V है, तो V और इंटू क्या होगा R1 और बटा दोनों का क्या होगा सम, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशंस में यहां से क्या होगा कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आएगी ना,
तो इसी फॉर्मूला को हम लगाएंगे तो इसकी लिस्ट का वोल्टेज कितना होगा टू। तो पहले टू बाय दोनों का सम इस फॉर्मूला से इनटू टोटल वोल्टेज, ये आपका हो गया वी वन। इसी तरह से वी टू कितना आएगा जी, ये कितनी है 7, और यहां पर कितना हो गया 7 5 12, और इनटू कितना हो गया आपका 2 ना, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 4 बाय 5, और ये कितना होगा 7 × 14 14 बाय 12। अब दोनों में देखिए बड़ा कौन है, ये है। तो ऐसे सिचुएशंस में इसके बीच का हमको क्या करना है, ये निकालना है। तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या होगा, तो वी वन टू बराबर क्या होगा, वी वन माइनस वी टू बराबर क्या हो गया 4 बाय 5 माइनस क्या होगा 14 बाय 12। इसको हम लोग 6 से काट सकते हैं, ऐसे इसको 7 से काटेंगे ना, और इसको कितना कैसे काटेंगे 6 से, तो 6 × 24 और इस कितना होगा 7 × 35, इसका वैल्यू कितना होगा 6 × 35। इसका जो वैल्यू निकलेगा वो तो क्या है, मान लेते हैं कि माइनस कितना होगा 11 1, और यहाँ क्या होगा 1, 11 बाय क्या होगा 30 वोल्ट। तो ये आपका क्या होगा वी वन टू जो आया, यही आपका क्या हो गया वी टी एच हो गया, क्लियर हो गया। हम लोग क्या किए, वन को पॉजिटिव, वन को माने हैं रेफरेंस, यदि टू को मानेंगे तो क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, वी टू वन करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये तो निकल चुका है, अर्थात हमारा इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो एक निकला है क्या, देखिए माइनस है, यहां पर क्या हो गया प्लस, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो यहां इसको ऐसे कर दीजिए माइनस और प्लस, इसका वैल्यू कितना हो गया 11/30। अब किसी तरह से हमको ये निकल जाएगा आरटीएच, तो काम बन जाएगा आरटीएच निकालना है। तो आरटीएच के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है, आरटीएच को कैसे निकालेंगे। आरटीएच निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी इंडिपेंडेंट सोर्स होता है, इसके जो इंडिपेंडेंट सोर्स था 2 वोल्ट, इसको हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो वोल्टेज सोर्स जो होता है वो कन्वर्ट करते हैं किससे, शॉर्ट सर्किट के साथ, और यदि करंट सोर्स रहता है तो उसको हम लोग ओपन सर्किट के साथ कर देते हैं। तो इसको जैसे ही शॉर्ट करेंगे तो क्या हो गया शॉर्ट। इस शॉर्ट होने का अर्थ आप समझ रहे हैं कि सपोज यहां का वोल्टेज, सपोज ये ए था, तो ये आप देखिए यहां पर आ गया ए, यहां देखिए आ गया ए, समझ रहे हैं। अब हमको क्या करना है कि इसको मान लेते हैं कि 1 और 2 है, तो 1 और 2 के बीच में क्या करना है कि हमारा क्या करना है आर टी एच फाइंड करना है। तो हम लोग को 1 और 2 को यहां देखिए 1 लिख रहे हैं, अब यहां लिख रहे हैं 2, कोई दिक्कत, यहां 1 लिख रहे हैं, 1 और 2 ही तो हमको चाहिए, इसी के बीच में तो वोल्टेज रेसिस्टेंस चाहिए। हाँ रिक्वायरमेंट देखिए 1 से है, तो यहां से 1 और 1 के बीच में क्या हो गया, सपोज इसको आप ए मान लो, यहां मान लेते हैं सपोज दिस इज योर 1, अब यहाँ ए, अभी क्या चीज देखिए 1 आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है, और यहाँ इसका मान लेते हैं कि 2 है, 2 आ रहा है। तो देखिए 1 और 2, ए और 1 के बीच में कितने रेसिस्टेंस है 1, तो यहां से आप ऐसे बढ़ो, ऐसे जाओ, और इसके बीच में ऐसे रेसिस्टेंस डाल देंगे लाइक दिस। इसका वैल्यू कितनी होगी आपको ध्यान दीजिए 2 ओम। ए 1 ए और इसमें देखिए ए और यहाँ पर ए और किसके बीच में है, यहाँ पर ए और 2 के बीच में, ए और 2 के बीच में कितनी है 2, बिल्कुल सही निकल जाएगा। यहां पर क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी है 7 ओम, बिल्कुल। अब देखिए 1 से 1 के बीच में फिर आ गया, 1 से 1 बीच में क्या आया है तो ध्यान दीजिए, इसका नाम क्या है 1 से 1 का मतलब क्या हो गया 2 ओम, ठीक है। अब इसी प्रकार से ए से 2 के बीच में भी कुछ रेसिस्टेंस है, तो उसका वैल्यू आप लोग बताइए, ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितनी है 5 ओम। देखिए प्रीवियस से आपको क्वेश्चंस में आया था, इसमें फर्स्ट ईयर में, कि यहाँ फर्स्ट इसमें ये आया था क्वेश्चंस कि इसको हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, ठीक है ना। आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये सेम क्वेश्चन, मतलब वोल्टेज को, मतलब इसके जगह पर न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज थी, लेकिन करेक्ट पूरा क्वेश्चन सही था आपको 7th मार्क्स में। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, अब हमारा टारगेट क्या रहा इसके बीच में, तो दोनों क्या है पैरेलल है। यहां से थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो 2 थी, ठीक है, ये आगे कितना था 3 था, सॉरी यहाँ 3 होगा, ये 2 है, यहाँ 3 होगा, अब इसके वजह से 7 और क्या होगा 5, क्लियर हो गया। अब इस दोनों को पैरेलल में हम लोग निकालेंगे तो और इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, द्वितीय के 6 बाय क्या होगा 6 बाय 5 ओम, यहां से वैल्यू कितना होगा 7 बाय 35 35,
और 35 बाय कितना होगा, दोनों को ऐड कर देंगे 7 5 12, ये आपका क्या हो गया। अब इसका आप लोग यही आपका क्या हो गया आरटीएच, आप लोग निकाल लीजिएगा आरटीएच बराबर आप लोग सीधा जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा 6 बाय 5 35 बाय 12, जो वेल्यू आएगा इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ रख देंगे एक्स। अब सपोज दिस इज योर क्या हो गया, ये आपका 1 हो गया 2 हो गया, इसके बीच में हम लोड कुछ देते हैं, कुछ भी लोड देते रहे हैं, सपोज इसके बीच में हम लोग लोड दे दिए, सपोज ये आर का आर है, तो हम लोग क्या करेंगे करंट का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं ठीक है ना। तो आप लोग आराम से क्या कर सकते हैं कि यहां से आई का वैल्यू निकाल सकते हैं, इट इज वेरी इजी टू सोल्व इट ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बहुत आराम से सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह से मैं एक क्वेश्चन पढ़ा, एक अच्छा लगेगा क्वेश्चन को जब हम बनाएंगे, गेट में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन, इसमें दिया क्या है बहुत इजी है, कैसे करेंगे यहां से देखिए, ये आपका दिया हुआ है ऐसे वी 1 एम्पियर है, इसकी वैल्यू देखिए ये जो आपका वोल्टेज सोर्स है प्लस है माइनस है 0.1 0.5 I1 है I1 ठीक है। यहां से हम लोग देखते हैं तो एक रेसिस्टर लगा हुआ है लाइक दिस ठीक है, ये आपका क्या लगा लगा हुआ है रेसिस्टर लगा हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है आपका 5 ओम। यहां से एक और रेसिस्टर लगा हुआ है, इसका भी वैल्यू दिया हुआ है 5 ओम, और यहां से देखिए ये एक पॉइंट ए लिख दिया और यहां से पॉइंट क्या लिख दिया बी, इसके बीच का क्या करना है कि आपको यहां लिख दीजिए प्लस और यहां क्या लिख दीजिए माइनस ठीक है। ये आपको ए बी के बीच में क्या करता है, कहता है कि आरटीएच फाइंड कीजिए और वीटीएच फाइंड कीजिए। तो अब हम देखिए इसमें क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे सोल्व करेंगे, तो स्टेप हमारे पास कितने आएंगे 2 आएंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या आता है, या तो आप वीटीएच निकालिए या तो आप क्या निकालिएगा आरटीएच निकालिएगा। तो सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप में चलते हैं, इसके बीच में फाइंड करने हैं, जबकि ये I1 है तो यहां पर भी क्या है आपका I1 है। ये आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है 2005 के, क्या करेंगे कैसे बनाएंगे। तो स्टेप फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट में हम लोग को आरटीएच फाइंड करना है, आरटीएच बराबर वाट, तो जितने भी आपका क्या होगा वोल्टेज सोर्स होंगे इसको कन्वर्ट कर देंगे किसके साथ, शॉर्ट सर्किट के साथ कि ओपन सर्किट के साथ, बिल्कुल ये क्या होगा ओपन सर्किट। और करेंट सोर्स जो होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे करंट, वोल्टेज सोर्स को, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट के साथ और करंट सोर्स को किसके साथ करेंगे ओपन सर्किट के साथ करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि ये क्या है आपका है करंट सोर्स है, तो यहां एक नया इसका फिगर बनेगा क्या देखिए ऐसे, ये आपका हो गया ओपन, इसका मतलब क्या होगा 0.5 I1 प्लस और माइनस, यहां से जैसे ही ओपन होगा ये दिस इज योर ओपन सर्किट। व्हाई, बिकॉज दिस इज ए इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स इज ऑलवेज रिप्लेस बाय क्या हो गया ओपन सर्किट, तो इसके बीच का क्या हो गया आपका ये हो गया आपका 5 ओम ठीक है। इसकी जगह पर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हमारा टारगेट क्या है इसी के बीच में तो आरटीएच निकालने हैं, जबकि इसको हम लोग क्या करेंगे कोशिश कितने इसके वैल्यू दिया हुआ 10 वोल्ट, तो इसको हम लोग क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे लाइक दिस, इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे ऐसे, दिस इज योर क्या हो गया शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट कर दिए। अब जैसे ही शॉर्ट करेंगे तो हमारा क्या है कि इसके बीच का फाइंड करना है, जबकि ये 5 ओम है, तो आरटीएच बराबर क्या होगा, तो आरटीएच देखिए यहां से क्या होगा कि ये करंट ऐसे जा रहा है, इसको ए मान लो इसको बी मान लो, तो ये करंट गया फिर ऐसे बटा रहा हो किधर आ गया एक बार ऐसे आ गया, बट जहां करंट का डिवीजन होता है वहां आप जानते हैं कि वो सीरीज होता है या पैरेलल, तो पैरेलल होता है, तो यहां से क्या होगा 5 ओम पैरेलल क्या हो गया आपका 5 ओम, अर्थात क्या होगा 25 डिवाइड बाय क्या होगा 5 प्लस 5 10, अर्थात 2.5 क्या हो गया आपका ओम। तो आप आरटीएच पहला स्टेप को आप क्लियर कर चुके हैं, आरटीएच निकल चुका है, कितना आसान है देख रहे हैं ना, हमने कुछ नहीं किया है करंट सोर्स को ओपन कर दिया हटा दिया, और यहां से देख रहे हैं ना ये जो देख रहे हैं ये क्या था वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स को हम लोग शॉर्ट सर्किट से कन्वर्ट कर दिए, क्लियर हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू में हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, हमें सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि यहां पर
वी टी एक्सपांड कर रहे हैं। देखिए इसके बीच का जो वोल्टेज होगा वही तो इसके बीच का वोल्टेज होगा, ठीक है। तो वी टी एच मतलब इसके बीच जो वोल्टेज है यहां से यहां, मतलब इस टर्मिनल के जो वोल्टेज है वही तो यहां होगा। तो हम लोग सीधा लगा सकते हैं बाई, इसको अर्थिंग कर दीजिए और हम लगा सकते हैं बाई नोडल एनालिसिस। ये एट क्या हो गया, एट नोड वन, नोड वन पर लगाएंगे। तो नोड वन पर लगाएंगे तो क्या होगा, आप जानते हैं कि टोटल इनकमिंग करेंट, देखिए टोटल करेंट इधर से आया बराबर क्या होगा टोटल आउटगोइंग करेंट अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ। तो यहां से क्या होगा कि यहां से हम लोग लगा सकते हैं यहां का वोल्टेज क्या आएगा वी वन, तो यहां क्या होगा वी वन, या इसको हम लोग वी टी एच भी कर सकते हैं क्योंकि यही तो उसका वोल्टेज है। तो आप वी टी एच कर दीजिए, तो वी टी एच और डिवाइडेड बाई क्या माइनस क्या होगा जीरो डिवाइडेड बाई फाइव प्लस, यहां से देखिए वी टी एच है वी टी एच माइनस यहां से कितना होगा टेन और डिवाइडेड बाई क्या होगा फाइव। अब इसको हम लोग इधर लाएंगे तो क्या होगा फाइव इक्वल टू वी टी एच प्लस वी टी एच माइनस टेन, इसको भेजिएगा तो फिफ्टीन वी टी एच और ट्वाइस वी टी एच और यहां से वी टी एच इक्वल टू कितना होगा फिफ्टीन बाई टू इक्वल टू क्या होगा सेवन पॉइंट फाइव। यहां पर क्या होगा इसका यूनिट क्या होगा वोल्ट, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो गया कि आर टी एच का वैल्यू आया टू पॉइंट फाइव ओम और वी टी एच का वैल्यू जो आया सेवन पॉइंट फाइव ओम वोल्ट। इसी का हमको इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने होंगे। तो यहां पर क्या हो गया थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वी टी एच प्लस हो क्या हो गया माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है सेवन पॉइंट वोल्ट, इसको हम लोग रेसिस्टर लगा देंगे लाइक दिस, रेसिस्टर की वैल्यू कितनी है तो ये आपका हो गया आर टी एच, इसका वैल्यू कितना होगा टू पॉइंट फाइव। अब यहां से हम लोग सपोज ये आपका ए था बी था तो ये आपका क्या होगा ए और ये क्या हो गया आपका बी, डाउट है। तो ये आपका क्या होगा कितने सिंपल वे से हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक क्वेश्चंस और लास्ट में करा रहा हूं, देखो बहुत इजी है बहुत सिंपल सा है, परंतु ये गेट 2011 में आया है, ठीक है। तो मैं इसको बताता हूं कैसे करेंगे, तो ये आप इसको एक से दो लाइन में ला सकते हैं, एक लाइन में नहीं आ जाएगा। देखिए एक दिया हुआ है वैल्यू, ये गेट आपका अलग है, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है टेन ओम, ये दिया हुआ है टेन ओम, ये भी दिया हुआ है टेन ओम। सबसे बड़ी बात ये है कि प्लस है माइनस है टू वोल्ट, इसको मान लेते हैं कि आपका क्या हो गया ये आपका प्लस माइनस है फाइव वोल्ट, इसको ऐसे कनेक्ट किया हुआ है। यहां से देख रहे हैं ना, यहां से आपका एक करेंट सोर्स है लार्जिस और इसका वैल्यू दिया हुआ है वन एम्पियर। यहां पर कहता है कि इसको आप मान लो कि इसके बीच में ये ए है ये बी है, तो कहता है कि ए बी के बीच में आर टी एच का वैल्यू क्या होगा, आर टी एच का वैल्यू क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे बताइए, तो जितने भी आपका वोल्टेज सोर्स है तो क्या नियम क्या कहता है यहां पर इसका वैल्यू क्या होगा, तो वी वोल्टेज सोर्स क्या होगा वोल्टेज सोर्स इज कन्वर्टेड बाय शॉर्ट सर्किट एंड करेंट सोर्स इज कन्वर्टेड बाय क्या हो गया ओपन सर्किट, ठीक है ना। तो देखिए इसमें आपका कहां कहां वोल्टेज सोर्स है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है यहां पर आर टी एच फाइंड करना, ठीक है, अर्थात आर इक्विवेलेंट फाइंड करना, दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो जितने भी वोल्टेज सोर्स है इसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे, तो शॉर्ट हो गया दिस इज योर एससी, ये आपका एसी हो गया, इसको हम लोग क्या करेंगे शॉर्ट कर देंगे लाइक दिस, ये आपका हो गया एससी, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे ओपन करेंगे, तो ये आपका क्या हो गया ओ और सी। अब बताइए कि यहां से करंट जब हम लोग सबको सप्लाई करेंगे तो करंट यहां आया इधर में जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या होगा इसका बीच इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, यहां से क्या होगा कि सीधे बढ़ते 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 यहां आया और यहां से ऐसे बंटवारा हो गया यहां बंटवारा हो गया, मतलब ये दोनों पैरेलल में होंगे और इसके साथ क्या होगा सीरीज होगा, ठीक है ना। तो यहां से कह सकते हैं आर टी एच बराबर, देखिए दोनों पैरेलल में है तो 10 पैरेलल 10 और यहां पर क्या होगा प्लस 10, तो 10 10 कितना होगा 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10 और यहां होगा इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा 100 100 बटा 20 मतलब हो गया 5 5 प्लस 10 बराबर कितना हो गया 15 यूनिट कितनी होती है ओम, ठीक है ना। तो आर टी एच इक्वल टू हो गया इतना, ठीक है। तो आई होप सभी लोग को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप लोग इसको चूंकि
वीडियो में मैं हर तरह के क्वेश्चंस जो है, जितने भी वेरियस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसको मैं दोनों लेक्चर में, फर्स्ट प्रीवियस लेक्चर और इस लेक्चर में डिस्कस कर दिया हूं। तो आई थिंक किसी को किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जब भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, चाहे किसी टाइप का डाउट है तो आप डाउट क्लियरिफाई करना चाहते हैं तो मैं, आप सागर टेक्निकल क्लासेस के नाम से मैं भी एक किया हूं मैसेंजर पर, तो वहां से भी आप क्या कर सकते हैं कि जो आपको किसी तरह का क्वेश्चंस रहे तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्लास को स्टॉप कर रहा हूं, और जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिनका कंसेप्ट देखने के बाद काफी क्लियर हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है क्वेश्चन थेवेनिन थ्योरम के बारे में, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और इन्फॉर्मेशन न्यू वीडियो के बारे में पता चलते रहे और आपका इन्फॉर्मेशन जो होगा इनहेंस हो, नॉलेज इनहेंस हो। धन्यवाद।